अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़। आदाब नाज़रीन, शहर हैदराबाद बंजरहिल्स रोड नंबर 14 नंदी नगर खुशबू विद्या निकेतन स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरमा राजदेवी ने अपने स्कूल के तमाम बच्चों के वालिदैन में जो ज़रूरतमंद है उनको स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से राशन किट्स तकसीम की गई। इसके अलावा स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से माइग्रेंट वर्कर्स और जो भी ज़रूरतमंद हजरात हैं उनमें भी राशन किट तकसीम की गई। इस मौके पर उन्होंने बिलखसूस अहले खैर हजरात से अपील की है कि वो इस मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसियों का ख़ास ख्याल रखें। और मोहतरमा राजदेवी ने हैदराबाद टुडे न्यूज़ से बात करते हुए सारी तफसील बताई। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अखिल खान की रिपोर्ट। राजदेवी खुशबू विद्या निकेतन से बोल रही हूँ। हमारे बच्चों को पेरेंट्स से कांटेक्ट में आके हम पेरेंट्स को पूछ रहे हैं कि उनको कोई चीज़ की तकलीफ है क्या है बोलते, और उसके हिसाब से हम पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं जितना भी हो सकता है। हमसे पेरेंट्स को हम लोग राशन दे रहे हैं, ड्राई फूड ग्रेन्स दे रहे हैं, और हमारे बाजू में भी थोड़े लोग हैं जो हॉस्पिटल को आईसो वाले और सिक्योरिटी गार्ड्स माइग्रेंट्स, इन लोगों को भी हमसे जो भी मदद हुई हम लोग उन लोगों को चावल वगैरह बांट रहे हैं। और लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि मास्क यूज़ करिए, थोड़ा केयर करिए, और बाहर फालतू में बेकार में टाइम पास के लिए मत निकलिए। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये ज़्यादातर यूथ्स को अटैक कर रहा है, इसलिए मेहरबानी करके बॉयज़ को, स्पेशली बॉयज़ ही ज़्यादा निकल रहे रोड के ऊपर, रिक्वेस्ट है हमारी कि तुम लोग बाहर मत निकलो, घर पर रहो, घर में अपने कुछ काम करो, कुछ सीखो, पेरेंट्स के साथ रहो, नाना नानी दादा दादी जो भी है बड़े बुजुर्ग उन लोगों के साथ रहो, उन लोगों से उनकी लाइफ के बारे में सुनो, सीखो उन लोगों से कुछ। बाहर निकल के बीमारी फैलाने से अच्छा है घर में बैठ के कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखो, अच्छा काम करो। अगर हम इन सब चीज़ों से बाहर निकले तो एक फ्रेश, एक नई जनरेशन, नया बर्थ, रीबर्थ होगा हमारा, ये सोच के निकलो। अगर क्वारंटाइन में जाएंगे अगर कोई, तो वहाँ पर के हालात जो है, वहाँ जो लोग हैं जिस तरह से वो लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, वो शायद ही एक मौत के बराबर है। तो ये होगा, हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी कि तुम लोग घर से बाहर मत निकलिए। और डोनर्स कोई है तो आगे बढ़ के अपने आजू बाजू में देखिए, अगर कोई भूखा है या किसी को कुछ ज़रूरत है तो उनको हेल्प करिए। और रमज़ान की ईद भी आने वाली है, थोड़ा रिक्वेस्ट है मुस्लिम भाई बहनों के लिए भी थोड़ा कुछ करिए आप लोग, बोल के रिक्वेस्ट है हमारे पास। थैंक यू सो मच।